सरकार द्वारा गरीबों को मिलने वाले सस्ते अनाज की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस अनाज पर समाज के गरीबों का हक होता है, उसका अवैध कारोबार कर डीलर खुलेआम मोटी रकम कमा रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी पंचायत का है, जहां बुधवार को अनाज के अवैध कारोबार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अनाज की कालाबाजारी करने वाले शाहजंगी पंचायत के सरपंच पति मोहम्मद चुन्ना और ई रिक्शा चालक मोहम्मद जाहिद को रंगे हाथ धर दबोचा। इसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर हाजत में बंद कर दिया। पुलिसिया पूछताछ में दोनों ने अनाज के अवैध कारोबार की बात स्वीकार कर ली और बताया कि इसके पूर्व भी अनाज की कई खेप विभिन्न स्थानों पर खपाई जा चुकी है। महावेली चक के पास जो है टोटो रिक्शा आ रही थी, उसी के दौरान जो है गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर सत्यापन के लिए गए हुए थे। सत्यापन के दौरान जो है टोटो इस नंबर का मिला, जिसे ज्ञात हुआ कि इस पर जो है कुछ लदा हुआ है, लेकिन सत्यापन के दौरान जो है 6 बोरे प्लास्टिक के बोरा में अरवा चावल पाया गया। उसके बाद अरवा चावल को अतिथि देखते हुए टोटो को थाना लेकर गया चालक के साथ, फिर चालक को यहाँ थाना आने के बाद जो है उसकी पूछताछ किया गया। दरअसल हबीबपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहजंगी पंचायत से ई रिक्शा द्वारा सरकारी अनाज की खरीद फरोख्त हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और थाना प्रभारी शहजाद हुसैन के नेतृत्व में एसआई शमसूल होदा ने दलबल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए शाहजंगी से अंबे ले जा रहे अनाज को मोहिब अली चक चौक समीप जब्त कर लिया। वहीं एमओ ने डीलर के खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज होते ही हबीबपुर पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सिल्क टीवी से सैयद इनामुद्दीन की रिपोर्ट।